हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी फिट न्यूट्रिशन एंड दिस इज डाइटिशियन रुद्राक्षी। आज मैं आपके साथ ये प्रोटीन और फाइबर से भरी पपीते की स्मूदी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो हेल्थ को बढ़ाने में और वेट को घटाने में आपके काम आएगी। सबसे पहले पपीते के क्या क्या बेनिफिट्स है ये देख लेते हैं। पपीता एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जिससे किसी भी इंफ्लेमेशन से बचा जा सकता है। पपीता एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जिससे हार्ट डिजीज और कैंसर से बचा जा सकता है। पपीते में पेपेन नाम का सब्सटेंस होता है, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और के भरपूर मात्रा में होता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत से फेस पैक में भी इसका उपयोग किया जाता है। पपीते का पत्ता डेंगू के ट्रीटमेंट में भी बहुत लाभदायक है। इसके पत्तों का जूस डेंगू में कम हुए प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। पपीते में कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसमें बोन हेल्थ में सुधार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल भर के पका हुआ पपीता लिया है, 2 से 3 अखरोट यानी कि वॉलनट्स लिए हैं, और मैंने यहाँ पे 5 बादाम लिया है, और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून चिया सीड्स आधे घंटे के लिए सोक करके रखे हैं। चिया सीड्स ऐसे होते हैं, आप इसकी जगह सब्जा का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है, और हमें चाहिए 1 चम्मच शहद। सबसे पहले एक मिक्सर जार में पपया के टुकड़े लें, उसमें अखरोट और बादाम डालें, 1 कप दूध डाल के मिक्सर 3-4 बार चला के इसका फाइन पेस्ट, इसकी फाइन प्यूरी बना लें। अगर आप चाहे तो इसमें और थोड़ा सा दूध या फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध और डाल के इसकी स्मूदी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट की है, और ये देखिए हमारी स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है। सबसे पहले 1/2 ग्लास स्मूदी को भर ले। जब 1/2 ग्लास भर जाए, तब उसमें सोक किए हुए चिया सीड्स अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बाद में हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भर के शहद। पपीता तो मीठा होता ही है, इसलिए हमें इसमें शक्कर नहीं मिलानी है। जब शहद और चिया सीड्स ग्लास में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब बची हुई स्मूदी से ग्लास को भर ले। और मैंने यहाँ पे कटे हुए पपीते से और थोड़े से चिया सीड से मैंने मेरे स्मूदी को गार्निश कर दिया है। पपीते का फाइबर और बादाम और अखरोट का प्रोटीन से ये कंप्लीट मील तैयार हो चुका है। ये ब्रेकफास्ट के लिए एकदम आइडियल स्मूदी है, तो आप भी इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें और अपना वजन कम होता देखें। ऐसी और हेल्दी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो है बी फिट न्यूट्रिशन।